शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे, सरबरा अवामी मुस्लिम लीग छूम अंतर हाथ न आए। पुलिस को एक बार फिर नाकामी का सामना करना पड़ा। रावलपिंडी पुलिस ने शेख रशीद के भतीजे के घर पे छापा मारा। अहलकारों ने घर को हिसार में लिए रखा, तहम शेख रशीद के ना मिलने पर पुलिस वापस रवाना हो गई। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग ने ट्वीट किया कि आने वाला इलेक्शन यौम हिसाब और एहतसाब होगा। कयामत से पहले हुकूमत पर सियासी कयामत टूटेगी। कर्जा उस वक्त मिला जब मेहमान अदाकारों का खेल खत्म होने वाला था। साल जाया किया, ये कहते थे हमारे पास प्लान बी और सी है। हकीकत में इनके पास कोई प्लान नहीं था। सऊदी अरब और यूएई ने $3 अरब किसी और के मुंह और कहने पर दिए, इनके कहने पर $5 कोई खैरात नहीं देता। ये जिस मुल्क जाते हैं लोग कहते हैं वो आए हैं भीख मांगने वाले। शहबाज शरीफ तकरीरी मुकाबले पर निकला हुआ है, दिन में आधी दर्जन तकरीरें करता है और आधी दर्जन तस्वीरें खिंचवाता है, लेकिन 15 महीने में नतीजा सिर्फ IMF के $1 अरब की पहली किस्त का कर्जा है। जरदारी ने खामोशी तानी है, बिलावल की अमरीकी यात्रा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। फजलुर्रहमान भी बेजार है, ये कहते हैं सियासत नहीं बचाई, रियासत बचाई है। हालांकि इन्होंने अपने आप को करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसों से बचाया है।